निकल गया। तो गाइस मुझे ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया है, मुंबई से बाहर आ चुका हूँ, बट स्टिल महाराष्ट्र में ही हूँ। अरे मस्त यार, रॉयल एनफील्ड क्या लग रही है। तो जस्ट मेरे आने के कुछ घंटों पहले यहाँ पे 2-3 ट्रक्स का एक्सीडेंट हुआ है, और रास्ता एक्चुअली सुबह से ब्लॉक था, फाइनली खुला है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, आप तो और भी पागल हो जाओगे। वो ये, अब चलो ना आगे जाके बताता हूँ मैं क्या हुआ आपको। मैं सुबह के 4 बजे उठा था, जैसे जब मैं अहमदाबाद से निकला था मैं 4 बजे उठा था कि 5 बजे तक निकल जाऊँ। वापस मैं मुंबई से जा रहा हूँ, मैं 4 बजे उठा था बट निकला 7:30 बजे, और वो 7:30 जो 3.5 घंटे थे, वो 3.5 घंटे सिर्फ 3.5 घंटे नहीं थे, वो 3.5 घंटे स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी से भरे हुए थे। पर वो कैसे थे मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो 3-3.5 घंटे थे उसमें मैं बस से आ सकता था। आप देख रहे हो पूरा कांच गिरा हुआ है यहाँ पे नीचे, दोनों ट्रक की हालत ख़राब हो रखी है। ये देखो, तो फाइनली मोटो व्लॉग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को हो गया था मॉर्निंग में लेट। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मुंबई का ट्रैफिक है, बॉस निकलने नहीं देगा मेरे को। तो मैंने क्या किया, कैमरा मेरा मैंने ऑन नहीं रखा, ऑफ रखा, और गाड़ी मैंने भगाई। 133 किलोमीटर्स में भगा चुका हूँ ऑलरेडी। महाराष्ट्र बॉर्डर कुछ टाइम बाद मैं क्रॉस कर दूंगा। तो अभी मुझे ये यहाँ पे एक्सीडेंट था, तो बहुत ट्रैफिक था, वो क्लियर हुआ, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने में बात कर लेता हूँ आप लोगों से। मॉर्निंग में क्या हुआ, क्यों मैं 7:30 बजे निकला, मेरे बस का प्लान क्यों था, गाड़ी छोड़ने का क्यों इरादा था, मैं आपको सब बताता हूँ आगे जाके। कहीं ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते हैं, तब हम बातें करते हैं। तो मैंने अभी पेट्रोल पंप पे चेक किया प्राइस, भाई 92 रुपीज़ है, और अहमदाबाद में मतलब गुजरात में आपको 81 का पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर आगे बॉर्डर पड़ेगा, वहाँ से आपको सारे गुजरात के पेट्रोल प्राइसेस होंगे। तो फिर वही है कि मैं अभी वहाँ पे नहीं भरवा रहा महाराष्ट्र में, सीधा गुजरात में एंटर करूँगा और वहीं पे तेल भरवाऊँगा। तो भी कितना हुआ है, रिसिप्ट देना, रिसिप्ट कितना, 8 लीटर आ गया है, काफ़ी तेल इस बार तो एग्जॉस्ट कर दिया था, तो 8.5 लीटर आया है, 83 का है, 703 गाड़ी का नंबर भी लिखते हो क्या, वो क्यों, 704 ये लो, 1000 ये लो, 20 710 काट लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस अभी यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है मैकडी है, वहाँ चल के थोड़ा सा ना यार कैपुचिनो पीते हैं। गाड़ी का देखो यार 170 चल रही है सुबह से। ऑलराइट लेट्स गो, मतलब 80 से नीचे तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, तो 200 किलोमीटर होने वाले हैं और गाड़ी थोड़ी सी हीट मार रही है, इंजन हीट मार रहा है। मैंने कहा 200 किलोमीटर चलाया एक बार ना, इसके टायर प्रेशर चेक करवा लेते हैं। आगे 25 पीछे 32 कितना था, 25 था ना, पीछे 32। अब देखो ना वो वहाँ पे लिखा भी है एयर प्रेशर फॉर टू व्हीलर्स, में देखो हीरो के टीवीएस का एक ही मॉडल है, टीवीएस स्टार फ्लेम, ओके अपाचे भी है। देखो 25 देन 32, जनरली यही होता है 25 28 25 32, 28 जब आप सिंगल चला रहे हो, 32 जब आप पिलियन का चला रहे हो। बट मेरा क्या था कि मेरे को 32 पर सही लग रहा है, ज़्यादा वॉबलिंग वाला फीलिंग नहीं आ रहा और ठीक लग रहा है, तो मैंने 32 पे रखना स्टार्ट कर दिया। कितना था भैया, 30 बढ़ गया, 32 कर दो, हाँ 32 कर दो। ऑलराइट गाइस, सो एक लाइट कॉम्बो मील और एक कैपुचिनो के बाद जा रहे हैं वापस अपनी मंजिल की ओर। एक पानी की बोतल लेनी है यार, अगले ब्रेक पे पानी की बोतल ले लेते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे ना फर्स्ट एड लेनी है यार, क्योंकि ना मेरे हाथ के ये क्लच ले लेके और ये अंगूठे पे छिल गए हैं।
कुछ चीज़ों का मैंने नोटिस किया है जो लॉन्ग टूरिंग पे ही पता चलती है, वो हम बात करते हैं हमारे डेली मोटर व्लॉग्स में। आई मीन दैट्स द रीज़न हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, अ पार्ट ऑफ कह सकते हैं कि कोई गिर रहा है एक्सीडेंट से बचने के लिए, चोट ना आए, उससे भी ज़्यादा दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। फिंगर्स, आपके फिंगर्स ना ब्रूसेस आ जाएंगे, छिल जाएंगे जब आप कॉन्स्टेंटली 200-300 किलोमीटर चलाओगे। तो अभी मुझे बैंडेज पहनना पड़ रहा है, मुझे इसलिए बैंडेज पहनना पड़ रहा है कि मेरे ये वाला, ये जो है ना अंगूठे के साइड में, ये फिर फिंगर के यहाँ पे ये पूरा छिल गया है। और मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ ना, जितना परेशान इन ट्रक्स ने किया है ना, उतना परेशान मुझे किसी ने नहीं किया। भाई ये जो ट्रक है ना, बहुत रिस्की चीज़ है, ये चलते है स्लो हैं, बट जो मोमेंटम ये कैरी करते हैं ना, और जिस अगर हल्का सा भी इम्पैक्ट हो जाए स्पेशली टू व्हीलर्स को, तो मतलब ख़त्म। मेरे को वहाँ से आना चाहिए था, बट मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आ गया, इसके पीछे पीछे आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप लोग को मैंने बताया नहीं ना मॉर्निंग में क्या हुआ था मेरे साथ, क्या कांड हुआ था, अभी बताएं ये आगे जाके। चलो ना आगे जाके बात करते हैं, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तो कितना है यार, 200 किलोमीटर भी नहीं हुआ, अभी तो ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स बचा है, तो जर्नी काफ़ी लंबी है। एक बात मैं डिनाई नहीं करूँगा कि जब मैं आ रहा था तो मैंने रोड्स का इतना ध्यान नहीं दिया, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब रोड्स मतलब मैप हो गए थे। मुझे अभी तक लगता था कि मैं ज्योग्राफी में बहुत पुअर हूँ, मुझे रास्ते याद नहीं होते। बट जब मैं वापस आ रहा हूँ ना, मैंने जितना गूगल मैप्स आते वक्त देखा था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ऑब्वियस सी बात है, उसका 5% भी मैं अभी जाते वक्त नहीं देख रहा, तो रास्ते मुझे ना एकदम रट गए हैं। मैं नहीं बोलूँगा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मैं, बट मैं कम देख रहा हूँ और रास्ते मुझे अच्छी तरीके से याद हो रहे हैं। मुझे पहले लगता था कि मेरी ज्योग्राफी काफ़ी ख़राब है, मुझे रास्ते जल्दी से याद नहीं होते कहाँ पे कौन सा टर्न लेना है, बट अभी जब मैं आ रहा हूँ वापस, मुझे काफ़ी क्लियरली सब याद है, मुझे इवन रास्ते भी याद है। मैं जब रास्ते से आ रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो ये चीज़ काफ़ी मैंने एक्सप्लोर करी है कि थोड़ी याददाश्त मेरी ठीक ठाक है, इतनी ख़राब नहीं है जितना मैं समझता था। सो गाइस, फाइनली मैंने एक टी ब्रेक लिया है, फाइनली क्या बोलूं, 30-40 किलोमीटर ही कवर किया मैंने। वैसे मेरा प्लान था, पता है क्या है, काम तो मतलब चप्पे वाले ही होते हैं, सोचा था मतलब हमेशा डिसाइड करता हूँ कि 100 किलोमीटर्स जाऊंगा और फिर एक ब्रेक लूंगा, और करता क्या हूँ, 150 चला जाऊंगा, 180 चला जाऊंगा, और 180 चला जाऊंगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, फिर उसका अगला ब्रेक 40-50 पे ले लूँगा। तो वो एक कहते हैं ना कंटिन्यूटी जो होनी चाहिए, कि हाँ 100 पे डिसाइड किया है तो 100 पे होना चाहिए, वो साला नहीं अभी तक मतलब बन नहीं रहा। बट उसमें गलती भी मेरी नहीं है। अब क्या होता है ना कि एग्जैक्टली 100 किलोमीटर के बाद तो प्रॉपर वाला जहाँ पे रुकना है वो तो आएगा नहीं, हमारा मैगडी रुकना है, वो अगले 100 की जगह 50 में आ गया, तो रुकना पड़ेगा ना 50 में ही, तो वो वाला बात हो जाती है। बट ये तो है कि कंटिन्यूटी नहीं है, कभी 180 खींच देता हूँ, कभी 50 पे बैठ जाता हूँ। पर अभी ऐसा है ना, मैंने एक और चीज़ एक्सप्लोर करी है, और ये एक्सप्लोर जो होता है ना, खुद के हम जो खुद को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे बारे में हम और कुछ नया जानते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि अभी मैंने ये जाना है कि भाई साहब मेरे को हाईवे पे गाड़ी चलाते चलाते नींद भी आती है। आज मुझे मॉर्निंग में 2 बार झोंके आए नींद के, और दोनों बार मैं ट्रक के अंदर घुसने वाला था, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई झोंके से अच्छा है मैं साइड में गाड़ी खड़ी करूँ, एक चाय वाय पीऊँ, बिस्किट खाऊँ और फिर निकलूँ। वही मैंने अभी किया, कुछ 40-50 किलोमीटर्स कवर किया है मैंने, और मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि मेरे को यार झोंके आ रहे हैं, नींद आ रही है, मेरे को गाड़ी नहीं चलानी, तो मैंने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी, अभी वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा अभी वापस नींद ना आए तो क्या बात करते हैं, तो बात करने से क्या होगा, एक तो थोड़ा सा एक्टिवनेस हो जाएगा और नींद का भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये गाइस है मेरे साथ, सबको अपना अपना एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मुझे आते वक्त नहीं हुआ, बट जब मैं वापस जा रहा हूँ ना, तो मैं टायर्ड हूँ, एग्जॉस्ट हूँ, मैंने हैवी तो नहीं खाया, बट यस 4 बजे का उठा हूँ, फिर कुछ स्ट्रेस था मेरे को, मतलब 3-4 घंटे जो प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, उससे ना मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो वह एग्जॉस्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये दिख रहा है आपको,
वो तो नॉर्मल कुछ कपड़ा था, बट मैं हर 50 किलोमीटर पे एक कुत्ता या बिल्ली मरा हुआ दिखता ही है आपको हाईवे के ऊपर। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं आते आते इतना एग्जॉस्ट हो गया हूँ कि मुझे भी नींद आ रही है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन निकालना है ना, तो आपको एक तो लाइट खाना है, दूसरा आपको नींद पूरी करनी है। सूरत रह गया 78 किलोमीटर्स ज़्यादा यार। देखो यार, मेरे हिसाब से मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, आप 80 चलाओ या 70 चलाओ, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ज़्यादा डिफरेंस मेक नहीं करेगा आपको, वो एक घंटे का डिफरेंस मेक नहीं करेगा। तो आप 2-3 छोटे छोटे ब्रेक ले लो, क्योंकि लाइफ इज़ मोर प्रेशियस एज कम्पेयर टू रीचिंग अर्ली। भले आधा एक घंटा लेट पहुँच जाओ, बट यार साइड में रुक जाओ, गाड़ी मत चलाओ, एक छोटी सी गलती हो जाएगी ना।